मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ साइंस एंड टुडेज आवर टॉपिक व्हाई डू एनिमल्स मूव। फर्स्टली वी हैव नो व्हाट इज अबाउट हैबिटेट। हैबिटेट इज नॉट ऑलवेज ए लार्ज एरिया कवर्ड विथ लैंड आर वाटर। इवन ए स्मॉल पुडल फील्ड विथ रेन वाटर is the habitat of certain living organisms. Why do animals move? Animals move from one place to another in search of food and water. They move also to escape from other animals that hunt them. They move to return to their shelters. एनिमल्स जो होते हैं वो फूड और वाटर के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, और जानवरों से या एनिमल्स से बचने के लिए भी वो, या उनका शिकार करने के लिए भी वो मूव करते हैं। दे मूव टू रिटर्न टू देयर शेल्टर, फिर वापस अपने शेल्टर में आ जाते हैं। एनिमल्स दैट फ्लाई, most birds, bat and insect can fly. These animals have wings. कुछ bird, bats और animals हैं, insects हैं, वो fly कर सकती हैं क्योंकि उनके पास wings होता है। Insect are small animals. All animals have six animals. All insects have a six legs. जितने insect होते हैं उनमें six legs हो पाए जाते हैं। Only spider have eight legs. You have watched or seen the spider in your home. You have seen they have eight legs. Insect walk with the help of legs. Most insects have wings and can fly. ज़्यादातर insect में wings पाए जाते हैं और वो आसानी से fly कर सकते हैं। All birds have two wings or two legs. जितने भी बर्ड्स होती हैं उनमें दो विंग्स और दो लेग्स पाए जाते हैं। दे वॉक विद द हेल्प ऑफ लेग्स, वो लेग्स से अपने वॉक कर सकते हैं। देयर विंग्स एंड लेग्स इनेबल टू फ्लाई, और विंग्स और लेग्स मिलाकर उनको उड़ने के लिए तैयार करते हैं। द फीट हेल्प देम टू टेक ऑफ। ए बर्ड हुज लेग इज इंजर्ड कैन नॉट फ्लाई। अगर किसी बर्ड का पैर इंजर्ड है तो फिर उसको फ्लाई करने में मुश्किल होती है। द शेप ऑफ देयर बॉडीज एंड हालो बोन्स आल्सो हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई। हालो बोन्स मेक द बॉडी ऑफ द बर्ड लाइट। हालो बोन क्या करेगा, वो बर्ड को हल्का करता है, और जिससे वो का बॉडीज हल्का होगा और वो आसानी से फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। The body of the birds is covered with different kind of feathers. The wings are covered with flight feathers. तो बर्ड के ऊपर ढेर सारे अलग अलग तरीके के विंग्स, वो फेदर्स पाए जाते हैं। उसमें कुछ फ्लाइट फेदर्स होते हैं, कुछ बर्ड को की शरीर की गर्मी को रोकते हैं। The flight feathers of the wings help to bird to fly, while the tail feather help to control the flight. और उसकी टेल जो रहेगी वो फ्लाइट को कंट्रोल करती है और उसे डायरेक्शन देती है। Some birds such as ostrich, kiwi, emu cannot fly because their wings too small. कुछ birds ऐसी हैं जो उड़ नहीं सकती, जैसे ostrich है, kiwi है, emu है। क्यों? क्योंकि उनके विंग्स छोटे होते हैं एंड वी कंपेरिजन टू देयर लार्ज बॉडीज, और उनकी बॉडीज बड़ी होती है, सो दे हैव नॉट फ्लाई। एनिमल्स दैट स्विम, एनिमल्स सच एज फिश स्विम कैन हेल्प विथ फिन्स। द शेप ऑफ द देयर बॉडीज टू आल्सो हेल्प देम स्विम। द फ्लिपर लाइक ए स्ट्रॉन्ग विंग्स, स्टीम लाइंड बॉडी एंड द वेब्ड फीट मेक पेंगुइन्स एक्सीलेंट स्विमर। पेंगुइन को एक्सीलेंट स्विमर बनाने के लिए उसमें वेब्ड फीट पाए जाते हैं, जालीदार पैर होते हैं उनके, उसकी बॉडी स्ट्रीम लाइन होती है, नौकाकार होती है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन द सी,
बर्ड्स सच एज ए डक्स आल्सो वेब्ड फीट एंड इनेबल टू स्विम, और डक्स में भी वेब्ड फीट पाया जाता है इसलिए वह आसानी से तैर सकती हैं। फ्रॉग स्विम आल्सो दे हैव हेल्प टू द वेब्ड फीट, फ्रॉग में भी वेब्ड फीट पाया जाता है इसलिए वो भी स्विम कर सकते हैं। वेल लिव इन द सीज, वेल जो होती है ये तो है मैमल्स लेकिन ये पानी में पाई जाती है और या समुद्र में पाई जाती है। दे स्विम विद द हेल्प ऑफ फ्लिपर, तो वो फ्लिपर से अपने तैरती हैं, फ्लिपर ये हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।